हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से आपके अपने चैनल रंजन टूरिस्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जब इंसान पैदा होता है, लिखाई पढ़ाई करता है, तो उम्मीद करता है एक अच्छी सी अच्छी नौकरी मिली। जब दोस्तों एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और इंसान सर्विस में होता है, वक्त का पता ही नहीं चलता और कब रिटायरमेंट की स्टेज आती है। हालांकि रिटायरमेंट भी आपको पता है जिंदगी में बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि जो आने वाले जनरेशन है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको भी नौकरी का मौका मिलता है। ऐसी ही रिटायरमेंट में दोस्तों आपको आज मैं लेकर जा रहा हूं हमारे प्यारे चाहते डेडिकेटेड और मोस्ट हॉनेस्ट ऑफिसर, हमारे जोन 30 के हमारे अमजद हुसैन सर, जो आज रिटायर हो रहे हैं। दोस्तों, आज उनकी हमने पार्टी रखी है, एक ग्रैंड पार्टी रखी है और मैं उस पार्टी में जा रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए दोस्तों, अब मैं सीधा आपको ले चलता हूं हमारे प्यारे जेडियो वर्दी अमजद हुसैन सर की पार्टी में। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारे जेडियो साहब पहुंच गए हैं। से तालियों से अपने जेडियो साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। जोरदार तालियों से और हाथ डालते हुए हमारे जेडियो साहब को रिसीव कर रहे हैं हमारे साजा के राम। हर ये लम्हा अजीब होता है, ऐसा समा कहते हैं। घड़ी अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाए दोस्तों को अब बदलना लाजमी ठहरा। बहरहाल जेडियो साहब को हौसला अफजाई और इनके काउशों मेहनत का सिला तो हमें नजर आ ही रहा है और यही दर्शाता है कि हर उस अज्जा में इस तरह से हमदर्दी, जोश, वलवला है। तो मैं इसी तरह से जेडियो साहब अभी अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं और तमाम साथ जो है जिन्होंने हाथ डाल दिया अपने हमदर्दी के तेज, जो भी रहे हैं वो भी आए और बारी बारी से हाथ डालते जाए। और इसके साथ में ही हमारे यहाँ के मुअज्जज़ा मोहतरम सेक्रेटरी सर एस के कोतवाल सर हमारे बीच में मौजूद हैं और हमारे मेहमान जो पुराने हमारे साथ होशियार सिंह सर, जो प्रिंसिपल भी शिवा में रहे, डोडा में रहे, डाइट में और पूरे इलाके में यहाँ के हमारे जो इलाके के रहने वाले हैं और आज हमारे SCRT में तैनात हैं और मास्टर ट्रेनर सबसे नामवर और मशहूर और बहुत ही इंटेलिजेंट सर हैं हमारे इसमें SRT SC जम्मू में है। बहरहाल इसके साथ ही मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि वो अपने अपने चेयर्स पर तशरीफ फरमाएं। अभी हार पहनाने की रस्म हो रही है तो बराए करम जो साथियों उधर रास्ते में है, प्लीज वो अपने अपने चेयर्स पर बैठ जाएं। सर इस साइड देखें। ये एक तारीखी मौका और तारीखी लम्हा हमारे लिए तक चाहिए जो
चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। इज्जत माँ गेस्ट ऑफ ओकेजन मोहतरम मुकर्रम वर्दी अमजद हुसैन साहब जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर ठाठवी हैं, मोहतरम मुकर्रम श्री एस के कोटवाल साहब जो नाजमी ईपीएस यानी कि सेक्रेटरी सुकुल लिहाजा हैं, और स्टेज पर बैठे हुए वर्दी प्रिंसिपल सर श्री हुशार सिंह सर, और दयार में मौजूद हमारे अमीन सर जो मास्टर हैं, उनके अलावा श्री बलदेव सर, मोहतरम मुकर्रम पृथ्वीराज सर और बहुत सारे हजरात जिनका एक एक करके नाम लेना मेरे लिए दुश्वार हो रहा है। मीटिंग यहाँ पे तश्कील हुई जिसे टीचर्स वेलफेयर कमेटी भी कहा जाता है, उनके तमाम मेंबरान अकीदत सलाम करती है, कबूल हो की मोहब्बत सलाम करती है। तो बहरहाल हमारी ये आस्था है, हमारी ये अकीदत है कि हम जब भी किसी मजलिस की शुरुआत करते हैं तो यूनिवर्स हैं। तो मेरा भी जब भी कहीं इस किस्म के मौके मिलते हैं, मेरी ये आदत समझो आप कि हम उसी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो अर्ज यू है कि रहमतों पे नाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। और क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में बहते हुए पानी में तेवर भी तो उसका है, क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में बहते हुए पानी में तेवर भी तय भी बनाता है। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मेरा क्या है मिट्टी ही समझ मुझको, मैं क्या हूं हम क्या हैं मिट्टी ही समझ हमको, पत्थर ही सही लेकिन पत्थर भी तो उसका है। विधाता की वंदना के बाद आइए मैं टीचर्स वेलफेयर कमेटी जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकार किया है, इनकी अजहद मोहब्बतों का विषयों का यह नतीजा है कि हमारे सामने यह प्रोग्राम। मैं आप तमाम हजरात का कमेटी के बिहाफ पर खुलूस दिल से वालेहाना इस्तकबाल करता हूं, जोरदार तालियों के साथ तमाम हजरात जितने भी यहां पे हम मेहमान हजरात बैठे हैं उनका इस्तकबाल होना चाहिए। जो ख्याल थे नकायास थे वही लोग हमसे बिछड़ गए, मेरी जिंदगी की जो आस थे वही लोग हमसे बिछड़ गए। कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं, कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं टूटे हुए शीशु में भी साबुत नजर आते हैं, मिलते तो हैं घड़ी पल के लिए मगर सदा के लिए दिल में उतर जाते हैं। रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन श्री अमजद हुसैन सर एंड सेक्रेटरी सर हुशियार सिंह सर एंड द गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स बिफोर मी, 1984 में हुई और इनके कैरियर की जर्नी जो है वो शुरू होती है हाई स्कूल त्रिगाम रामबन से। तो उसके बाद इनकी प्रमोशन
एज ए मास्टर जो है 23 अगस्त 2003 में होती है और उसके बाद इंचार्ज हेडमास्टर 15 दिसंबर 2015 को होती है राइट गाइस और पोस्टिंग द गन माइक के माइक स्कोर माइक के और जेडीओ पेन हुई बात जेडीओ प्रमोशन ज्वाइन की जल्दी क्यों मुझसे 6 मई 2022 में होती है जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है तो बहरहाल आप तो जानते होंगे कि अब तो मैं आपका वक्त ज्यादा जाया नहीं करूंगा मैं फौरी तौर क्योंकि वक्त बहुत कम है वक्त की नजाकत रखते हुए आप जोनल एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर अमजद हुसैन सर गाइस पे बैठे हुए सभी स्टाफ मेंबर्स असद-ए-जाय कराम मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग किसी शायर ने क्या खूब कहा है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है तो खुदा किसी को खुद पूछने वाला होता नहीं है लेकिन यही वो वक्त होता है जब इंसान ने कुछ मेहनत की होती है कुछ अच्छे काम किए होते हैं और उसका रिजल्ट जो है उसके सामने जब लास्ट पे आता है वही ऊपर वाले की रजा होती है वही ऊपर वाले का पूछना होता है और वही हमारे सामने आज खुल के आया है हमारे सामने रेस्पेक्टेड जेडियो साहब तुषार सिंह साहब शेट्टी साहब इधर साथ-ए-जाय-ए-किराम सलाम वालेकुम आदाब जैसे कि आप सारे जानते हैं और सारे यहाँ पर साथ-ए-किरामी हैं वो इसलिए हैं कि फेयरवेल पार्टी रिटायरमेंट पर हमारे जेडो साहब यहाँ से अलविदा हो रहे हैं तो इस सिलसिले में हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है पूरे जून में एक रिवोल्यूशनरी सोच पैदा हो गई हम यूं नहीं कहेंगे कि बल्कि पूरा ही काम बहुत तरक्की हो गई लेकिन एक सोच दिया मैं चंद एक वाक्य मैं पेश करूंगा मैंने पहले ही कहा तकरीर करने से ज्यादा बेहतर है कि जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुए जेडो साहब के साथ अगर वो शेयर किया जाए तो ज्यादा बेहतर वही रहेगा एक बार श्री डॉक्टर जी मंच पर आसीन मान्य व्यक्तियों सभा में उपस्थित शिक्षकगण सभी को करबद्ध प्रमाण प्रणाम और सभी का आभार कि आप इस सभा में आए और इस सभा की शोभा बढ़ाई सर्वप्रथम तो मैं पूरी फाटी जोन के टीचर्स फ्रेटर्निटी की ओर से श्री अमजद हुसैन जी को बधाई देता हूं कि वे आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं ये एक बहुत मंगल घड़ी है और किसी विरले के जीवन में ही ऐसी शुभ घड़ी आती है कि लोग उन्हें इतने प्यार से विदा कर रहे हैं तो एक बार फिर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी रिटायरमेंट की तो मैं सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता यहाँ पे उनके कुछ पंक्तियां सबको डेडिकेट करता हूँ कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है सूरमा कभी विचलित नहीं होते क्षण एक भी धीरज नहीं होते विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं महादेवी वर्मा के शब्दों में कहूं तो वे पथ क्या पथिक क्या जिसमें बिखरे शूल ना हो नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो बहरहाल अब मैं दावत दूंगा एक बहुत ही टीचर है मोहतरम तनवीर अहमद शेख जो बड़ी में काम करते हैं कि वो मुख्तसर वक्त में अपना इधर देखें इधर इधर देखें तुम आओ तो फूलों की बरसात करेंगे तुम आओ तो फूलों की बरसात करेंगे मौसम के फरिश्तों से मेरी बात हुई बात है काबले इज्जत
काबले एहतराम, काबले दीद व दाद, काबले तहसीन व आफरीन हमारे चहीते प्यारे हमारे हमदर्द रिटायरिंग जोनल एजुकेशन ऑफिसर पार्टी, हमारे उनके बगल में तशरीफ फरमा हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे इस प्रिंसिपल सर जो यहाँ ईपीएस के सरबरा हैं इनका, और हमारे जो अदर स्कूलों से आए हुए मेहमान हजरात, हमारे जेडो ऑफिस से हमारे मेहरबान स्टाफ मेंबर्स और आए हैं, इन सभी का मैं दिल की उम्मीद तरीन गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पे जब कोई तनकीद करता है वो दुश्मनी ही क्यों ना हो मोहब्बत और बढ़ती है। बुझाने को घर हवा के साथ, बुझाने को घर हवा के साथ बारिश भी आ जाए, चिरागे भी हकीकत की हकीकत और बढ़ती है। बिकने को आ जाओ तो घर जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। रेस्पेक्टेड जेडियो साहब, प्रिंसिपल उस्ताद सिंह जी और मेरे इंस्पिरेशनल फिगर सेक्रेटरी साहब और डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में भी मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर सबका नाम ना लूँ क्योंकि वक्त की तंगदामन ही है। तो दिल की गहराइयों से सर आपको मुबारक कि आपने एक बहुत अच्छी इनिंग खेली बिना दाग, और इस जमाने में आज के दौर में अगर कोई बिना दाग बिना किसी बलाट के कोई रिटायर होते हैं तो बड़ी मुबारक की बात होती है जी। तो हमारे बीच में जो है तो इसी बीच आज के चीफ गेस्ट हमारे बीच में छोटे तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं, तालियों से अभिनंदन करते हैं अपने चेयरमैन साहब और हमारा तहसीलदार डॉक्टर साहब भी हैं जी। तो मैं ये जो हमारे मेहमान आ रहे हैं और मैं लोगों से सर बताओ देता हूं कि वो आए हो प्लीज, मैं अपने टीचर्स से कहना चाहूंगा कि प्लीज जनरल बुलाए रखें, अंदर जो है यहां पर मंच पर ना हो। मैं सभी टीचर हजरात से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी सीट ग्रैंड करें, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज, ताकि हमारे स्कूल का जो लेवल है वो बना रहे। इधर इधर और नहीं, यहाँ तो हमें इसका कॉपी किया सर, बस बैठ जाओ। वेलकम वेलकम, मतलब धनवाद हो गया वहाँ। वाजपुर एहतराम, इज्जत नाम, चीफ गेस्ट, जो हजारों दिलों की धड़कने हैं, मेरी मुराद है चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, काउंसिल डोडा, ऑनरेबल श्री धनंतर सिंह कोटवार सर, गेस्ट ऑफ ऑनर रिटायर्ड प्रिंसिपल और जो एक्स सीओ रह चुके हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के श्री हुशियार सिंह सर, उनके अलावा जो गेस्ट ऑफ ओकेजन है, उसके अलावा हमारे
और आप बेशतर यहाँ पे जितने भी टीचर हजरात हैं, असातिज़े किराम हैं, उनके उस्ताद रह चुके हैं, और जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो अगर चाहें तो समंदर को कोसे में कैसे बंद करना है वो बखूबी जानते हैं, जो इस वक्त अंजाम दे रहे हैं, जो अपने फरीजा अंजाम दे रहे हैं, बहसीदे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोनिंग ऑफिसर डोडा, वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं, ऑनरेबल श्री डॉक्टर अनीस अहमद सर। मैं टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन इस्तकबाल करता हूं और वेलकम करता हूं इस बात का कि इन्होंने भी हमारे जेटो साहब, जो हमारे इस कारवा के लीडर हैं, जिन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया, एक नई सोच यहां पे डेवलप की, इनकी ईमानदारी, इनकी वफादारी, इनकी दयानतदारी को यहां पे हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच आ चुके हैं, और हमारी भी हौसला अफजाई के लिए यहां पर हमारे इस दूर दराज इलाके में जिन्होंने तेरी शरण में प्यार मिलता है दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है, तेरी शरण में प्यार मिलता है दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है, मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, तुमसे ही उजालों का संसार मिलता है, तुमसे ही उजालों का संसार मिलता है। ज्ञान का प्रकाश एक ज्योति की तरह है, ज्ञान का प्रकाश एक ज्योति की तरह है जो अंधकार को दूर कर देता है, जो अंधकार को दूर कर देता है। तुम दीप में बाती, तुम भी जल भी ना पाती। देखिए, दीप प्रज्वलन जो है हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हमारा मानना है कि दीप प्रज्वलन करने से जो दिए की जो ऊर्जा है वो हम सब में आती है, ताकि हम अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से संपन्न कर सकें। वो कहते हैं प्रज्वलन से जो है शुरू करते हैं, और हमारे सारे मनोभाव यहाँ पर दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग देते हुए, तेरी शरण में प्यार मिलता है दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है। हमारे माननीय अतिथिगण को शाल पहनाकर सम्मानित करें। तो मैं चाहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये सम्मान पूरी हो। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा याशिर रशीद सर को और बलबीर सर को, अगर उपस्थित है यहाँ पर तो प्लीज मंच पर आकर। इतने माननीय अतिथिगण हमारे बीच में उपस्थित है तो तालियों के गड़गड़ाहट जो है कुछ लंबे तक रुकनी नहीं, थोड़ा क्लोज हो जाना। आमंत्रित करना चाहूंगा सुदेश, आगे देखें। एक ऐसे शख्स की जिसने हमें यह सिखाया, अगर हौसला बुलंद हो और मन में सच्चाई हो, अगर हौसला बुलंद हो और मन में सच्चाई हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं होती। मेरे दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं हरदिल अजीज, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर आई हैव एवर सीन, एंड इज नन अदर देन आवर रेस्पेक्टेबल एंड लवेबल श्री अमजद हुसैन सर। मेरे दोस्तों, आपकी तालियों के गड़गड़ाहट एक लम्हे तक रुकनी नहीं चाहिए।
मेरे दोस्तों, सबक के पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा दुनिया की इमामत का. वेल सेड बाय सबवन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. काबिले ताजिम व तकरीम जनाब डीडीसी चेयरमैन साहब, डीडीसी मेंबर संदीप सिंह मनहास जी, स्टेज पे तशरीफ फरमा. ऑफिसरान, मेरे हम पेशा साथियों, अस्सलाम वालेकुम आदाब. तारीख की इस घड़ी में एक तरफ से मुझे खुशी भी है, लेकिन ये वो गम का लम्हा है जहां मैं लगातार 6 घंटे बोल सकता हूं, वहां मुझे नहीं लगता है कि आज मैं बोल पाऊंगा. लेकिन दोस्तों के जज्बात और शौक, जैसे सर ने कहा उसको मद्देनजर रखते हुए मैं कहना चाहूंगा सर कि इंतहाई मुबारकबाद की ये घड़ी है कि जहां जनाब जेडियो साहब को अलविदा करने के लिए ये इंप्रेसिव गैदरिंग, ये जमे गफीर जिसे मैं कहूंगा, ठाठरी के अतराफ व अकनाफ से यहां कसीर तादाद में ये टीचर्स जनाब जेडियो साहब के लिए आए, इसका मकसद ये है कि हमें आज यहां से ये मैसेज लेना है कि हु हैज चेंज द जोन ठाठरी. अगर जोन ठाठरी को डेवलपमेंटल ट्रैक पे किसी ने लाया तो मैं वो सूप के साथ कहता हूं, आई एम सेइंग टू यू विदाउट एनी हेजिटेशन, आई एम प्राउड ऑफ इट दैट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट रेडियो हमारे अफजल साहब ने यहां एक चेंज लाई, जैसे मेरे विजय सर ने कहा था, वो मेरे दिल को बात छू गई थी कि ये बिगड़ा हुआ ढांचा हर एक शोबे के अंदर, चाहे वो टीचर्स के मसाइल को लेकर, चाहे वो लोगों के मसाइल को लेकर, ये बिगड़ा हुआ था. लेकिन आपको इस सिस्टम को अगर किसी ने स्ट्रीमलाइन किया तो सल्यूट करो इस शख्सियत. तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर. तेरी खुदी में हो अगर इंकलाब पैदा, तेरी खुदी में हो अगर इंकलाब पैदा, अजब नहीं कि चार बदल जाए. तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए. चेयरमैन डोडा, आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब धनंतर जी, डीडीसी मेंबर ठाठरी संदीप जी वर्दी, सीओ डोडा, डीपीओ डोडा वर्दी तहसीलदार ठाठरी, एक्स प्रिंसिपल तुषार सिंह जी और यहां मंच पे आगे हमारे सीनियर्स, हमारे कुलीग्स, जिनकी वजह से आज इस महफिल को रौनक मिली है. मैं दो शेर हमारे जो यहां मंच पे बैठे हैं, हमारे सीओ साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, इनके नजर दो शेरों से इनका शुक्रिया अदा करता हूं. दिल से शुक्रिया है, दिल से शुक्रिया है महफिल में आने के लिए, दिल से शुक्रिया है महफिल में आने के लिए, हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के लिए, हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के लिए. ये महफिल अधूरी थी आपके बगैर, ये महफिल अधूरी थी आपके बगैर. शुक्रिया है
हमारी रौनक बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन साहब, काउंसलर सर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा, मंच पे मौजूद सभी गेस्ट और यहाँ मौजूद सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जेडीयू साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि थाथरी जैसे टर्बुलेंट एरिया में उनको इतना प्यार मिल रहा है, पर हमारे जेडीयू साहब को जितना प्यार मिला मुझे नहीं लगता कि किसी और को मिलेगा, वो ना ही मिला होगा। तो मैं चेयरमैन साहब को भी बताना चाहूँगा, मैं जेडीयू साहब से नॉर्मली डिस्कस करता रहता हूँ कि ये उनकी कम से कम 20वीं के 21वीं पार्टी होगी, क्योंकि जब भी मैं जेडीयू साहब को फ़ोन करता था तो लास्ट एक महीने में जब भी मैंने फ़ोन करना जेडीयू साहब ने सर आज पार्टी है वहाँ पे, सर आज वहाँ पे पार्टी है, कभी प्राइवेट स्कूल में पार्टी थी, कभी चीफ एजुकेशन ऑफिस में पार्टी थी, या कभी चिराला में पार्टी थी, पूरी सब डिविजन में पार्टी का दौर चला है लास्ट एक महीने में। तो वो दिखाता है कि जेडीयू साहब ने जहाँ पे कैसा काम किया है। आज इस जेडीयू साहब के फेयरवेल पार्टी रिटायरमेंट का जो समारोह आपने आयोजित किया है, यहाँ पे उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट चेयरमैन साहब, हमारे सीईओ साहब, हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, और सबसे मेरे ख्याल से सब लोग उनके चहेते, तहसीलदार साहब, डीपीओ साहब, हमारे एक्स प्रिंसिपल साहब हैं यहाँ पे, और इस स्कूल को चलाने वाले जहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं, और जो मेरे भी गुरु रह चुके हैं, मेरी भी जो बेस बनी है, जो मेरी नींव रखी गई है, कोतवाल साहब, आमतौर पे रिटायरमेंट का या जो फेयरवेल समारोह रहता है उसमें हमेशा मतलब कभी कभी कुछ दिल में कुछ रंजिशें या कुछ बुराइयां भी हो तो उनको छुपा के हमेशा अच्छाइयों को आगे लाया जाता है। आमतौर पे लास्टिंग इस घड़ी पे कोई भी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलता है, लेकिन मेरे ख्याल से इस छात्री के इतिहास में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो यहाँ पे जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इससे पहले मेरा तो बहुत कम एक्सपीरियंस है यार छात्री के एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन जब से जेडीयू साहब आए तो अभी तहसीलदार साहब को सुन रहा था, मेरे ख्याल से सबका यही एक्सपीरियंस है। ये एक ऐसी पोजिशन है जहाँ पे आपको पब्लिक के साथ भी, अपने टीचर्स के साथ भी डील करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी डील करना है, और जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनके साथ भी डील करना है। कोई भी ऐसा कोना इलाके का, कोई भी ऐसी सोसाइटी, कोई भी ऐसा स्थान जिससे आप जुड़े ना हो अपने जोन से, हर जगह हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है और इतना आसान नहीं होता है। डीपीओ डोडा, एक्स सीईओ हमारे दोस्त सुशांत सिंह जी, इस स्कूल के ओनर हैं सी जी, और आज के महफिल के मैं कहूँगा चांद अमजद हुसैन जी और दीगर टीचर हजरा, सबको मेरी तरफ से आदाब नमस्कार। आज की जो महफिल लगी है वो हमारे जेडीयू साहब जो आज के दिन रिटायर हो रहे हैं उनके एजाज में लगी है। इनके काम से सब लोग, मैं कहता हूँ सबको पता है इनके काम करने का तरीका का, मैं तो इनको इससे पहले पेड़ में भी जानता हूँ और मुझे इनका पता था कि ये किस कदर काम करेंगे। आप लोग लकी हो कि आप लोगों को एक ऐसा ऑफिसर मिला जिसने आप लोगों की दिशा बदल दी। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे ऑनरेबल जेडीयू साहब के रिटायरमेंट पर टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा यहां पर आयोजित किया गया है, आज के इस कार्यक्रम में काउंसिल के मेरे सहयोगी छोटे भाई संदीप सिंह मनाह जी मेरे साथ यहाँ पे आए हुए, आपके
बहुत ही काबिल ईमानदार ऑफिसर गोरिया साहब, जिनको लाने के लिए आप लोगों ने आग्रह किया था और मैंने इनको बोला कि आपने सर अपनी मसरूफियात को बालाए ताज रख के मेरे साथ वहाँ पे चलना है, तो ये भी मेरे साथ यहाँ पे हैं। हमारे तहसीलदार साहब हैं, हमारे डीपीओ साहब जो मेरे घर के साथ में रहते थे, आज प्रिंसिपल, आज ये भी डीपीओ के हैसियत से यहाँ पर मेरे साथ आए हुए हैं। हमारे इस प्रोग्राम में जिनके लिए ये प्रोग्राम है, ऐसे हमारे सीओ साहब जिनकी बहुत सारी तारीफें आप लोगों ने की, बहुत मन को तसल्ली हुई। इस स्कूल के हमारे मालिक हमारे एक्स प्रिंसिपल साहब हैं, स्टेज को संचालित करने का जिन लोगों को यहाँ पर मौका मिला और जिन्होंने अपनी बड़ी बाबाती के साथ बातें यहाँ पर रखी, फारूक साहब ने भी अपनी दिलों की जो जज्बात है उनका इजहार किया, बहुत सारे लोगों ने आप में से भी बात की, संजय जी यहाँ पे हैं, मीडिया के हमारे बंधु, बहुत अच्छा है कि हम आज इस बहाने से यहाँ पर मिले। और मैं अक्सर ऐसे जैसे प्रोग्रामों में आता रहता हूँ, एक दो साल पहले भी यहाँ पर कुछ ऐसा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ था, बहुत सारी संख्या उसमें थी, और उसके बाद यहाँ पर आज फिर आने का मौका मिला। और जो मुझे फीडबैक मिली कि आप लोग डिफरेंट सोच से आते हैं, हालांकि आप टीचर हैं, कोई ऐसा होना नहीं चाहिए, पर जो यहाँ पे सुना कि आप मुख्तलिफ सोच से आते हैं, ये इस भारत देश की महानता है, विशालता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश, दुनिया की सबसे बड़ा गणतंत्र जिसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का पूरा हक हासिल है, और इसी हक के साथ हम लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। साथियों, मैं एक उस्ताद का बेटा हूं और मैं ये समझता हूं कि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स अपने अगर उस्तादों की इज्जत ना करे तो उसकी लाइफ में उसकी इंप्रूवमेंट, उसकी डेवलपमेंट, उसकी पदोन्नति कभी नहीं हो सकती है। वो बच्चे जो है, एक जमाना होता था कि हम देवी ने इतना बड़ा नाम जो है उसका हुआ है, इतना बड़ा नाम उसने हासिल किया है। इज्जत मान डीडीसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डोडा, वर्दी चीफ एजुकेशन अफसर डोडा परशोत्तम दास गौड़िया जी, डीडीसी काउंसलर संदीप जी, प्रिंसिपल डाइट डोडा जो अभी अभी तशरीफ ला रहे हैं, थापा साहब, तहसीलदार ठाठरी साहिल रंधावा जी, हमारे दोस्त प्रोफेसर खुशांत सिंह जी जो पिछले दिनों एससीईआरटी जम्मू से रिटायर हुए हैं, वो अपनी अहलिया के बदले में आज दोबारा रिटायर होने आए जम्मू से अभी चल के, हमारे होनहार एनर्जेटिक स्टॉलवर्ट इंस्पेक्टर विक्रम सिंह जो आज एसएचओ यहाँ ठाठरी में है, वो भी तशरीफ फरमा है, और हमारे इस स्कूल के सेक्रेटरी सतीश कुमार जी जिसने हमें यहाँ बर्दाश्त किया, और मेरे रुफकाई साथियों जो बड़े जोश व खरोश वलवले के साथ जो है यहाँ तशरीफ लाए हैं। कल रात को जो है बूंदाबांदी थोड़ी हुई थी, बोल रहे थे कोई नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बहुत जमे गफीर जो है यहाँ जमा हुआ। इससे पता चलता है कि मेरे प्रति आप लोगों के अंदर मोहब्बत है, प्यार है, रेस्पेक्ट है। मेरी जिंदगी का सफर अब इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी 4 बजे समाप्त हो जाएगा,
तो मैंने तय किया था सब फोन करते हैं कब आओगे, अभी कितनी कॉलें आ रही हैं, हम रावण में इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं 4 बजे हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की बात पर जो है मैं इत्तफाक करूंगा कि मैं पूरे आखिरी समय तक काम करूंगा। 2-3 दिन से मैं दफ्तर में 6-7 बजे तक आप लोगों के जो कागजात जो थे सर्विस रिकॉर्ड थे वो मैं मुकम्मल बैठा करने बैठा हुआ था। मेरे साथ क्लर्क दो थे, 10 बजकर कुछ मिनट पर उन्होंने वो अपनी जेके अटेंडेंस की है। रात के बुनाई की मेहनत लगन के साथ जो मैं यहाँ 39 साल 4 महीने का जो टेन्योर जो मेरा जिंदगी का है वो मेरा यहाँ जो अपने काम करने का तरीका देखा मेरा जिंदगी में पूरा ही है। 84 में जब लगा था तब से आज तक यही मेरा सिस्टम है। कभी मैंने लेखो लाल नहीं की, अपने काम से काम रखा, घर का कोई काम नहीं किया मैंने, बच्चों को भी नहीं पढ़ाया। अलबत्ता मेरा बड़ा बच्चा पोजिशन होल्डर है, फर्स्ट पोजीशन भी कहीं 12th में सब्जेक्ट्स में आई है, लेकिन मैंने उनको नहीं सिर्फ मैथ में गाइडेंस करता था उसको मैं। वाला ने इस मेरी मेहनत के सिले में नवाजा, बच्चियां भी मेरी डबल एम ए बीएड हैं, एडजस्टेड हैं। वाला ताला ने इस मुकाम तक पहुंचाया उसी का शुक्र है, नहीं तो आज को दौर के अंदर जो है कामयाबी से जो है सबकदोश होना कोई आसान काम नहीं है। 20 महीने का वक्त जो ये यहाँ पर जो मैं ठाठरी में गुजारा मैंने एज ए ZEO, आप सबने देख लिया जून की, आपने सबने काशी की इस हालत में आपका जून था। और मैं जब आया यहाँ तो मेरे गुरु जो है परशोत्तम दास जी जो 2 बार प्रिंसिपल रामा रह चुके हैं, हमारे वहां से भी जान पहचान थी, तो इन्होंने आते ही मुझे बड़ा हौसला दिया और सपोर्ट भी की उन्होंने। और मैं आज इस मुकाम पर आपके सामने जो है कामयाब होकर जो यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने तो अपनी किसी से उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे देगा कुछ, मेरे दिल में ही नहीं था। तो आज आप देख रहे हैं उसका सीधा क्या हुआ, मुझे उससे ज्यादा मिल गया। अभी तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि 1 महीने से पार्टियां चल रही हैं, मैं भी थक गया गिफ्ट लेते लेते, आज तो गाड़ी भी नहीं है, मैं जूंगा करना पड़ेगा। इनका सच में तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। हमारे चेयरमैन साहब जो इनकी पहले पार्टी थी वहां पे आज एसएसपी साहब उनकी हैं, फिर भी इन्होंने हमारी जो इनविटेशन थी उसको कबूल किया, यहां पे आए, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे टाइम प्रिंसिपल सर, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो हमारे बीच आए। हमारे तहसीलदार साहब जो हमेशा किसी भी चीज पे जब भी हमें कोई भी चीज बोलते हैं वो हमारी सपोर्ट करते हैं, हर बात मानते हैं, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज हमारे बीच हैं। हमारे संदीप सर जो अपने आप को कभी भी बीडीसी काउंसलर कम अपना होस्ट जैसे खाटे में कोई इवेंट करना होता है हम उन्हें काउंसलर की तरह नहीं बल्कि अपने यहाँ एक खाटी का रिप्रेजेंटेटिव की तरह देखते हैं, हमेशा किसी भी काम में अग्रसर होके हमारा साथ देते हैं। हमारे एसएचओ साहब हालांकि कल हम वहां गए थे सबसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी सर आज हमारे इस कार्यक्रम में आए और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अगर हम यहाँ आज इस हाल में बैठे हैं तो इस स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो स्कूल के सेक्रेटरी सर है, इनकी बदौलत है, तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने
ऐसा बैठने के लिए हमें, क्योंकि भाटली में ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है कि उन्होंने हमें रोक किया, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद देता हूँ। हमारे सर रिटायर्ड सीईओ कुशाग सिंह सर, जो हमें इनको एक और मुबारक देनी चाहिए क्योंकि आज ही इनकी मैडम की रिटायरमेंट है, वो किन्हीं कारणों से आज नहीं आ पाए, उनकी जगह पे सर ही आए हैं, इनको भी रिटायरमेंट की भी हम शुभकामनाएं देते हैं। हमारी जो सारी मैनेजमेंट कमेटी है मैं उसका पूरा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप फोटो पे ही दिखते हैं लेकिन फोटो के पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं, जिनका नाम आगे नहीं आता है, मैं उनका खास करके उन लोगों का जिनका किसी भी पिक्चर में फोटो नहीं होगा लेकिन एक छोटे से इवेंट करने में भी उनके बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उन लोगों ने काम किया होता है तभी जाके हम किसी इवेंट को कामयाब कर सकते हैं। तो उन सबका चाहे फोटो में नहीं भी है या है भी, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस हमारे इस इवेंट को फ्रूटफुल बनाया। मैं सर को जडियो सर को फिर एक बार इनके नई एक जर्नी की शुरुआत है उसके लिए धन्यवाद और बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। मैं लास्ट में बशीर बदर के एक शेर के साथ अपनी वाणी को बयान करूंगा, कहां आंसू की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मैं हर हाल में मुस्कराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत 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 धन्यवाद। मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा रावण उत्कल बंगा, विंध्य माचल यमुना गंगा उछल जल तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सम्मान करें इधर 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 इधर। तो अभी कोई भी टीचर अगर तो अभी कोई टीचर जो है घर के लिए कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि आएगा नहीं। सभी टीचर हजरात से गुजारिश है कि एक मिनट के लिए थोड़ा अपना संयम बनाए रखें। इन पुराने घरे रिश्तों को तोड़कर जा रहे हो क्या? धन्यवाद सभी। नशे की तरह वक्त बिताया, नवाजिश करना हमको सिखाया, हम नशे की तरह वक्त बिताया, नवाजिश करना हमको सिखाया, बेखुदी में हमको अपनाया, दुख दर्द में सबका साथ निभाया, सच्चाई से काम कर ये नजरें जवां रुक ये फिजाएं, हम जाएं कहां इनकी महक सा, सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, फूल खिलते हैं
मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग जो बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो किस लिए संदल का मैं दरख्त नहीं हूँ, तो किस लिए जितने थे गम के नाथ हम इसे निपट गए। सागर किसी को देखकर हंसना पड़ा मुझे, सागर किसी को देखकर हंसना पड़ा मुझे, दुनिया समझ रही थी कि मेरे दिल पलट गए। कंक्लूड कर रहे हैं, थैंक्स। थैंक यू सर। आप वीडियो बना रहे हो? वीडियो बना।
Thank you.